दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा स्टेट है जिसका कंपैरिजन आप जर्मनी से कर सकते हैं, तो आपको क्या लगेगा? लेकिन ये बिल्कुल सच है। इंडिया में एक ऐसा राज्य है जिसका कंपैरिजन हम जर्मनी से करके आपको बताएंगे। एक ऐसी जगह जो अपनी कहानियों के लिए, अपने रहस्यों के लिए जानी जाती है। एक ऐसा स्टेट जिसका हर एक शहर किसी ना किसी कलर को डेडिकेटेड है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। हालांकि ये एक रेगिस्तानी राज्य है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ऐसा हिल स्टेशन है जो वर्ल्ड से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। अगर हम इसका रिकॉर्ड देखें तो हम जानेंगे कि यहाँ पर विदेशी टूरिस्ट बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। आखिर इस राज्य में ऐसी कौन सी खास चीज हो गई है जिसकी वजह से टूरिस्ट भाग भाग कर यहाँ आ रहे हैं और हम हिंदुस्तानियों को ये बात पता ही नहीं है? आज लेकिन आपको पता चल जाएगी कि आखिर इस राज्य में ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से वर्ल्ड लेवल टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं इस राज्य के बारे में जानने के लिए, बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें आपको सुनानी है आज, और बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो अपने भारत के इस राज्य के बारे में आपको बताने हैं। तो चलिए चलते हैं भारत के एक खूबसूरत राज्य में जो जाना जाता है अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों और अपनी संस्कृति के लिए। नाम है राजस्थान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, द लैंड ऑफ किंग्स, द बिगेस्ट डिजर्ट लैंड ऑफ इंडिया, राजस्थान इज अमेजिंग स्टेट दैट नेवर फेल्स टू मेमोराइज अस। अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ कलरफुल सिटीज, वार्म पीपल, डिलीशियस कुजीन, गॉर्जियस प्लेसेस एंड मैसिव फोर्ट इज व्हाट मेक्स अप दिस स्टेट। जी हाँ, राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 342,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल के 10% से भी ज्यादा क्षेत्र में है। राजस्थान अपनी संस्कृति, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए वर्ल्ड फेमस है। दोस्तों, ये पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ एक उत्तरी भारतीय राज्य है। इसका कंपैरिजन हम जर्मनी से कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जर्मनी जितना बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, ये राज्य उतना पुराना नहीं है जितना आप सोचते हैं, क्योंकि इसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ। दोस्तों, राजस्थान कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थलों में से एक है। जी हाँ, वो संस्कृति जो सालों पुरानी है, वो संस्कृति जो इतिहास में दर्ज है, लेकिन आज भी राजस्थान उसे अपने में सहेजे हुए है। दोस्तों, भारत में अंग्रेजों के शासन से पहले राजस्थान राज्य को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। इस पर अलग अलग राजाओं का शासन हुआ करता था, जो अपने अपने तरीके से श्रेष्ठ थे। चौहान वंश के अंतिम राजा हम्मरदेव चौहान ने 1283 और 1301 तक शासन किया। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1727 में की थी। हालांकि जयपुर से पहले अंबर महाराजा जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में राज्य की राजधानी थी, यानी कि इसका इतिहास काफी गौरवपूर्ण है। दोस्तों, आपको पता है राजस्थान का हर शहर एक रंग कोड का पालन करता है। जैसे कि जयपुर को गुलाबी शहर कह सकते हैं, क्योंकि इसकी कई इमारतें गुलाबी रंग की हैं। जोधपुर का रंग नीला है दोस्तों, उदयपुर का रंग सफेद है और झालावाड़ का रंग बैंगनी है। यानी हर एक प्रमुख सिटी आपको किसी रंग में सराबोर मिलेगी। दोस्तों, आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना होगा, जो वर्ल्ड की सबसे लंबी दीवार है। दूसरी दीवार कहाँ है आपको पता है? हमारे भारत में, और कहाँ पर? राजस्थान में। अरावली पर्वतमाला में स्थित कुंभलगढ़ किला दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार का घर है, जो चीन की महान दीवार के बाद दूसरे नंबर पर आती है। ये दीवार 80 किलोमीटर तक फैली है दोस्तों, और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी सूचीबद्ध किया गया है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको एक भुतहा शहर का घर मिलेगा। खंडर हो चुके किलों और खाली महलों के साथ राजस्थान में निश्चित रूप से आपके लिए कई भूतिया कहानियां हैं। सुनेंगे? तो चलिए सुनाती हूँ। लेकिन सबसे प्रसिद्ध कुलधरा गांव है, जो जैसलमेर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। लगभग 200 साल पहले रातों रात यहाँ पर लोगों ने घरों को छोड़ दिया। दिन के समय इस शहर में टहलने से आपको उन लोगों के जीवन के बारे में एक झलक मिलेगी, जो कभी इस गांव में रहते थे। अब इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक विरासत स्थल के रूप में रखा गया है। कहा जाता है कभी कभी यहाँ डर भी लगता है। और हाँ, एक बात और, गौरव और इतिहास के लिए तो ये शहर जाना ही जाता है, तो वहीं यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जिसने दुनिया में भूचाल ला दिया था। बात 1974 की है, और घटना है पोखरण में परमाणु परीक्षण। जी हाँ,
1974 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। 11 और 13 मई को भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए, जिससे दुनिया दंग रह गई थी। और 2018 में पोखरण फिल्म भी रिलीज हो गई थी, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे भारत में गुप्त रूप से सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया गया था। तब लोगों को पता चला था कि ये कैसे हुआ था। दोस्तों, आपको पता है राजस्थान के बीकानेर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित करणी माता मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि करणी माता की मूर्ति के साथ हजारों की संख्या में चूहे भी मौजूद हैं। और यहाँ पर भक्त चलकर नहीं बल्कि अपने पैरों को घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है ये जगह बहुत ही खास है। इसमें देवी करणी माता की मूर्ति है, बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में। करणी माता का जन्म चारण कुल में हुआ था दोस्तों, और ये मंदिर चूहों का मंदिर भी कहलाता है। दोस्तों, एक चीज और है जो कि इस राज्य को लेकर काफी फेमस है, वो है तंग गलियां, मकानों के कोनों पर पान और गुटके की पीक और सीलन की बदबू। ये कुछ चिन्ह हैं जो काफी नेगेटिविटी फैलाते हैं। आपको पता है राजस्थान रेड लाइट एरिया के लिए भी जाना जाता है। हर बड़े शहर में एक ऐसा इलाका होता है जहाँ दिन के वक्त सफेद पोश लोग जाने से बचते हैं, हालांकि शाम होते ही ये इलाका गुलजार हो जाता है। और ऐसा ही गुलजार इलाका आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। बात कर रहे हैं रेड लाइट एरिया की। आज ऐसी जगहों पर वैश्यावृत्ति और कई गैर कानूनी धंधे होते हैं। दोस्तों, जो लोग उदयपुर में रहते हैं या उदयपुर के आसपास वाले एरिया में रहते हैं वो इसको अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें इनका पता लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है और थोड़ी देर भी लगती है, क्योंकि चुपचाप ये धंधा फल फूल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हर शहर में एक ना एक आपको ये एरिया मिल जाएगा। दोस्तों, भरतपुर बंधारी गांव रेड लाइट एरिया, जोधपुर का घास मंडी रेड लाइट एरिया, ये राजस्थान के वो रेड लाइट एरिया हैं जो काफी नाम कमा चुके हैं। हालांकि दोस्तों, ये वो बातें हैं जो राजस्थान पर कहीं ना कहीं ठप्पा लगा देती हैं नेगेटिव का। लेकिन एक कहानी और है जो हम आपको सुनाना चाहते हैं। वो कहानी है बुलेट बाबा मंदिर की। बुलेट बाबा मंदिर राजस्थान में ही है, पाली जिले में, और राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर स्थित है। ओम बन्ना नामक एक मंदिर है यहाँ पर, जोधपुर से करीब 1 घंटे की दूरी पर। इस मंदिर के बारे में एक अजीब बात है, ये एक मोटरसाइकिल को समर्पित मंदिर है। जी हाँ, ये मोटरसाइकिल 350 सीसी रॉयल इनफील्ड बुलेट की है। कहा जाता है कि ओम बन्ना, जिन्हें ओम सिंह राठौर के नाम से जाना जाता था, पाली के सांडे राव के पास बंगड़ी शहर से चोटिला की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर कंट्रोल खो दिया था और एक पेड़ से उनकी बाइक टकरा गई थी। उसके बाद उनकी तुरंत ही मौत हो गई थी और उनकी मोटरसाइकिल पास की खाई में गिर गई थी। दुर्घटना के बाद स्थानीय पुलिस आई और मोटरसाइकिल को पास के पुलिस स्टेशन ले गई। अगले दिन देखा गया तो बाइक स्टेशन पर नहीं थी बल्कि वापस घटनास्थल पर आ गई थी। पुलिस ने एक बार फिर से प्रयास किया और मोटरसाइकिल को उठाया और अपने कब्जे में ले लिया। इस बार इसके ईंधन यानी कि इसके पेट्रोल को निकाल लिया गया, यानी गाड़ी को बिल्कुल खाली कर दिया गया। और हाँ, इसे लॉक और चेन से भी बांध दिया गया। और इतना करने के बावजूद भी दूसरे दिन मोटरसाइकिल उसी खाई में वापस चली गई। इस चमत्कार को देखकर पुलिस वाले लोकल लोग हैरान हो गए। आज भी कई लोग अपनी सुरक्षित यात्रा के लिए यहाँ पर इस बाइक के आगे हाथ जोड़ते हैं और इससे मन्नत मांगते हैं कि उनकी यात्रा पूरी हो। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों जो राजस्थान और उसके शहरों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, सीरियसली, ये जगह बहुत खूबसूरत है। इस जगह का हर एक शहर आपको कोई ना कोई संदेश और एक अलग खूबसूरती दिखाता है। यहाँ आने वाले कहाँ कहाँ जाते हैं आपको बताएंगे, लेकिन इस एपिसोड में नहीं बल्कि अगले एपिसोड में। तो राजस्थान की ये सैर यहाँ पर बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद हम आपको लेकर जाएंगे राजस्थान की उन खूबसूरत वादियों में, उन खूबसूरत जगहों पर जहाँ जाकर आपको फील हो जाएगा कि आप सीरियसली बहुत सही जगह आए हैं और आज तक आपने इस जगह को मिस कर दिया था। दोस्तों, टू बी कंटिन्यूड।